अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज आपकी फरमाइश पर हम कमीज़ के जो साइड से कपड़ा उतरा होता है, जो लंबाई में होता है और मुख्तलिफ जो पैचेस वगैरह उतरे होते हैं, उनके हम आपको एक खूबसूरत सा कुर्ता बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास लंबे लंबे पैचेस जो हैं वो उतरे थे, उनको हमने आपस में ये पाइपिंग है हमारे पास ब्लैक, बिल्कुल सिंपल सी जो ब्लैक पाइपिंग होती है जो बाज़ार से मिल जाती है, वो हमने आपस में इन कपड़ों को अटैच करके तो हमने इनको जो है वो जोड़ लेना है। उसके बाद हम आपको इसकी मेजरमेंट वगैरह बताएंगे। तो ये हम एक 5 साल की बच्ची है, उसका हम ये ड्रेस बना रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये ड्रेस कैसे बनाना है। तो ये सारी जो जितने भी इसके पैचेस हैं कमीज़ के साथ से जो भी उतरे हैं कपड़े वगैरह, इनको आप पाइपिंग के ज़रिए हम इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। देखें, एक साइड से भी हमने जोड़ा है, दूसरे साइड से भी, यानी फ्रंट और बैक दोनों साइड से आप इसको जोड़ लेंगे। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। हमने सही से बिल्कुल लंबाई में इसके जितना भी साइड से कपड़ा उतरा है सबको हम पाइपिंग के साथ आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे। जो साइड से कपड़े वगैरह उतरे होते हैं आप उनको बिल्कुल भी ज़ाया मत किया कीजिए, वेस्ट मत किया कीजिए। उसको आप इस तरह से बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आप ड्रेसेस बना सकते हैं। ये देखिए, हमने एक साइड से इसका एक पैच जोड़ लिया है इसको पाइपिंग के ज़रिए, और इसी तरह ये दूसरा भी हम यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे और दूसरा जो पैच है एक साइड से उतरा वो भी हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। हमने अटैच कर लिया है, ये देखें, एक साइड पे हमने पाइपिंग लगाई है और एक पैच को जोड़ा है, दूसरा दूसरी साइड पे, यानी एक तरह का जो है वो दोनों साइड पे रख लिया है। और ये बैक साइड पे देखें, बिल्कुल सिंपल था और इसको हमने इस तरह से अटैच कर लिया आपस में। अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये हम एक साल की बच्ची है, उसका हम उसकी हम ये फ्रॉक बनाएंगे छोटी सी। हम इसे ये शोल्डर रखेंगे, कट करेंगे 5 इंचेस। ये देखें, इसकी जो यहाँ से हम जो इसका जो है वो फिटिंग है वो 5 इंचेस, और ये हम यहाँ से 4 इंचेस कट करेंगे। ऊपर से आपने 6 इंचेस की जगह छोड़ देनी है और इतना आपने कट कर लेना है। यहाँ पे हम चुंटे डालेंगे, यहाँ से तीरा रखेंगे इसका 4 इंचेस, और यहाँ पे 5 इंचेस यहाँ शोल्डर के निशान लगाएंगे। इस तरह से गोलाई में डी शेप में कट कर लें आप। कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे कट का निशान लगाया है ऊपर से 1 इंचेस का गैप देके, ये हमने 4 इंचेस का लगाया है। और यहाँ से इस तरह से आपने कटिंग करने के बाद ये यहाँ से आप गोलाई में कट कर लेंगे। ये जो साइड प्लेटेड फ्रॉक होती है ये हम बना रहे हैं। देखें, बिल्कुल जिस चीज़ों को हम बिल्कुल फालतू समझ के काट देते हैं उनके भी हम खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइलिश डिज़ाइन के हम ड्रेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। देखें, इसको ओपन करके हम आपको दिखा देंगे। यहाँ से इसको हम इस तरह से इसकी प्लेटें डाल लेंगे दोनों साइड से। हम आपको प्लेटें डाल के इसकी दिखा देते हैं। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपने प्लेटें डाली हैं क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों के कपड़े को हमने कट किया है।
अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप प्लेटें डाल लें। हम फ्रंट साइड पे पहले डाल रहे हैं, ये देखें हमने दोनों साइड पे इसकी प्लेटें डाल ली हैं। इसी तरह बैक साइड पे भी दोनों साइड पे डाल लें। छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक आप प्लेटें डालें क्योंकि कपड़ा बहुत कम है और ज़्यादा प्लेटें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड पे प्लेटें डाली हैं। ये है इसके फ्रंट साइड, ये हमने नेक कट किया है ऊपर से 4 इंचेस और इसकी हमने चौड़ाई रखी है भी 4 इंचेस ही। यहाँ से हम इसको इस तरह से कट करेंगे, बिल्कुल सिंपल नेक कटिंग है, आप इजीली बना सकते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने डोरी की 3 कट कर लिए हैं, इसके हम लूप्स बनाएंगे और यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ब्लैक कपड़े की हम पाइपिंग लगाएंगे, ब्लैक कपड़ा आपके पास फालतू कोई भी पड़ा होगा या आप अपने अकॉर्डिंग आपने बनाना है तो आप कोई भी जो फालतू पड़ा हुआ पीस है आपके कपड़े के साथ मैच कर रहा हो आप उसको इस तरह से रेप में कपड़ा होना चाहिए उसको आप सामने रखें फ्रंट साइड पे और इस तरह से आप इसकी बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो पाइपिंग निकाल लें। पेपर पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल साथ साथ ताकि हल्की हल्की सी पाइपिंग जो है वो निकल आए। ये हमने इसकी फ्रंट साइड से पाइपिंग निकाली है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने डोरी का लूप जो है वो बनाया है, इसको अब यहाँ पे रखें और इसके ऊपर आप सिलाई लगा दें। क्योंकि हमने बैक साइड पे बैन लगाना है और बैक साइड पे हमने कट नहीं रखना इसीलिए फ्रंट साइड पे हमने छोटे छोटे लूप लगाए हैं ताकि बटन से खुला हो जाए और आराम से गला जो है वो बच्ची के सर से उतर जाए। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे साथ करके एक लूप यहाँ पे अटैच कर लें। ये हमने तीनों लगा लिए हैं, अब यहाँ पे बटन भी अटैच करेंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, गला भी बन चुका है और पाइपिंग भी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी बैक साइड यहाँ पे हम एक हल्की सी प्लेट डालेंगे। ये देखें दो हमने हल्की हल्की प्लेटें डाल ली हैं ताकि ये इसके बराबर आ जाए। फ्रंट और बैक साइड पे ये जो शोल्डर हैं इनको हम आपस में सिलाई कर लेंगे, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमने सही से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। ये देखें यहाँ से हम इसके जो बाजू हैं वो भी अटैच करेंगे। ये नीचे वाली साइड पे एक हमारे पास फालतू सी लेस पड़ी थी जिसे आप लेस भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो पीको वगैरह होती है मुख्तलिफ डिज़ाइन में वो भी आप करवा सकते हैं, जो दुपट्टों पे करवाई जाती है पीको वो आप कमीज़ के नीचे करवा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास हल्की सी लेस पड़ी हुई थी तो वो हमने यहाँ पर नीचे वाली साइड पर अटैच कर दी है। ये हमने पेपर पट्टी पे बैन कट किया है
और ये हम पेपर पट्टी पे बैंड कट करने के बाद ये डबल कपड़ा हमने इसके साथ रख के एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। ये हम बैंड लगाएंगे, बैंड को हमने इसको पलट लेंगे। दरमियान में इसके निशान लगा लें। इस बैंड की तकरीबन लंबाई जो है वो हमने रखी है 6 इंचेस हमने रखी है, और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंचेस, क्योंकि ये हमने हाफ बैंड लगाना है, हाफ कॉलर। एक साइड पे अटैच करने के बाद दूसरी साइड पे भी अटैच कर लें। ये हमने बटन साथ में अटैच किए हैं कि हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाजू भी हमने साथ में लगा लिए हैं। ये बैंड देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।